हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। ये मिंटोई मशीन है, ये पहले इसका टेरेक्स नाम आता था, तो टेरेक्स और ये इसका सब सिस्टम सेम रहता है। तो ये मशीन बहुत ही स्लो चल रहा है। इसका हमने MRV भी चेक कर लिया है, इसका हमने हाइड्रोलिक पंप भी बना के डाल दिया है, फिर भी ये स्लो चल रहा है। तो जब ये हाइड्रोलिक पम्प और MRV हमारा चेक हो जाने के बाद, हमें और एक चीज़ जिसमें चेक करना पड़ता है वो है इसका अनलोडर वाल। तो अभी हम इसका अनलोडर वाल चेक करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे लोडर कंट्रोल वाल है हमारा, उस पर यहाँ पे नीचे के साइड में ये यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये है इसका अनलोडर वाल। तो इसको 19 का पाना बैठता है, अभी हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, 19 के पाने से इसको खोल लेना है, ये अनलोडर वाल है इसका। तो पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये यहाँ पर आता है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। इसको निकालते वक्त एकदम आराम से निकालना है, क्योंकि इसका जो पॉपेट वाल रहता है बहुत ही छोटा रहता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम छोटा पॉपेट वाल दिया हुआ है, और ये कैप है उसकी एक, और नीचे स्प्रिंग आता है, बस इतना ही इसमें आता है। तो अगर ये पॉपेट वाल भी ख़राब हो गया होगा या पिस्टन जाम हो गया होगा तो भी मशीन स्लो चलता है। तो अभी इसका पॉपेट वाल तो सही है, तो अभी हम पहले इसको फिट कर लेते हैं। फिट करते वक्त याद रखना है, इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है, तो ग्रीस लगा के इसको बिठा लेना है, ताकि बिठाते वक्त ये गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये गिर जाता है, बहुत छोटा है इसलिए इसको ग्रीस लगा लेना है। तो अभी इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो अंदर का पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसका जो ओरिंग है, सिर्फ इसका ओरिंग कट गया था, इसीलिए ये मशीन स्लो चल रहा था। तो अभी हम ये यहाँ पे इसको ओरिंग आती है, ये तो ये ओरिंग देखिए, ये ओरिंग बिठा लेते हैं। इसका सिर्फ ये ओरिंग कट गया था, तो कभी भी ये पिस्टन निकाल के भी चेक करना है, ये अनलोडर वाल के सामने से पोपट वाल के आगे रहता है, तो इसको भी चेक करना है अच्छे से, और फिर ग्रीस लगा के इसको फिट कर देना है। ये देखिए, जहाँ से हमने निकाला था इसको लगा के फिर टाइट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फिर टाइट कर लेना है अच्छे से, और ये रिंग पाना से इसको अच्छे से ये टाइट हो जाएगा। तो अभी इसको चालू करके भी बता देते हैं आपको। ये देखिए, अभी मशीन अच्छे से स्पीड में चल रहा है, और अच्छे से स्पीड में काम चल कर रहा है। वो पहले बहुत ही ये स्लो चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। ये देखिए, आपको बताते हैं, लोडर भी इसका बहुत स्लो चल रहा था, अभी लोडर भी इसका अच्छे से फास्ट काम कर रहा है। ये देखिए, इस तरह से लोडर भी अभी इसका फास्ट काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।